अच्छे वे में चेंज लाजमी करेंगी। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 10 on 10 है। अब आपने दिन में आपने रात में हर टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करके रखनी है। ये आपकी स्किन के एक्साइटमेंट में इतनी पागल हो गई, मैंने ज़्यादा लगाई थी, इतना ज़्यादा थोप ली थी, फिर मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको ओपन करते हैं। वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैंने ऑनलाइन देखा था। दिस इज ट्रूली सेम एग्जैक्टली। मैं पता नहीं एक्साइटमेंट में क्या कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम बंदा कुछ खुद से करता है ना तो उसको एक्साइटमेंट ऐसे पागलों वाली होती है, तो मैं पागल हो रही। उसने मुझे इत्मीनान और पुरमीद कर दिया कि ज़िंदगी में आगे भी ऐसे के ब्लफ्स जो हैं वो आपने मारते रहने। मेडिकेटेड स्किन केयर की चीज़ें हैं तो अब अगर स्कैम हो गया तो स्किन की वाट लग जाएगी। Hi guys, Assalamualaikum. This is me Zainab Akbar Ali Rajab. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, बिकॉज मैं हूँ। या आई एम सो एनर्जेटिक। एनर्जेटिक तो मैं हूँ, उसके साथ साथ सुपर एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैं आज आपके साथ अपना फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। इतना कोई मैंने मार्का नहीं मार लिया, वैसे मार्का सर नहीं कर लिया, ना ही कोई तीर मार लिया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या है एक्सपीरियंस, क्या है अभी बता दूँ, बता देती हूँ। पहले आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए कि एक्सपीरियंस क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है। मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ अपने बिहाफ पर पर्सनली ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ऑनलाइन पहले ऑर्डर नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने खुद पर्सनल हैसियत में कभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था। तो यानी कि मामा कर लेती थी, भाभी कर लेती थी और रसद भाई या कभी तो कर ही लेते थे ऑनलाइन ऑर्डर, लेकिन मैं जो हूँ वो इस लाइन में कहीं पर भी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने खुद बिहाफ पर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है और ऑर्डर करने के बाद घर वाले को बताया कि मैंने ये ऑर्डर कर लिया। तो आप मेरी हिम्मत को दाद दे रहे हैं ना, दाद दीजिए, ये बचत हो गई है मेरी। मुझे डर ये भी था कि मैंने ऐसे वैसे कहना मैंने ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया तो आगे से उन्होंने कहना तू घर बैठी है करती रहनी। ट्रस्ट मी, मुझे ये डर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आगे से अच्छा खासा कोल्ड रिएक्शन दिया था, मुझे लगा कैरी ऑन बेटी, यू हैव ग्रोन अप। तो मैंने फर्स्ट अपना जो है वो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ट्राई कर लिया है ये ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करके। यानी कि इसमें क्या है, कुछ मैं यूँ कर रही हूँ तो कुछ स्ट्रॉन्ग ही चीज़ होगी ज़ाहरी बात है। तो इसको आपके सामने ओपन करेंगे, इसको आपके सामने दिखाएंगे कि क्या है। और मैं आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया और फर्स्ट टाइम ही मैंने स्किन एसेंशियल्स ऑर्डर कर लिए हैं। आप चेक करें कि मैंने फर्स्ट टाइम मार्का तो मारा, ऊपर से प्रॉपर मार्का मार दिया। यानी कि स्किन के जो हैं वो प्रोडक्ट्स ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर लिए हैं। तो अब जी अब अगर स्कैम हो गया तो स्किन की वाट लग जाएगी। मतलब चलें देखते हैं। मैं ये भी डर रही थी कुछ ऑर्डर करने से पहले कि हो सकता है स्कैम हो जाए, पता नहीं सही आएगा, दिखाएंगे कुछ, भेजेंगे कुछ और ऐसा वैसा सब कुछ सोचती थी। फिर भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर करने के बाद ये सोचा, ट्रस्ट मी, मैंने ऑर्डर तो कर दिया था, जब मैंने देखा तो ऑर्डर कर दिया। तो फिर मैं बाद में ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने ऐसा दिखाया और कुछ और ही भेज दिया और ये है वो है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक्सपर्ट बनने के लिए मुझे पहले एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा ना। तो इंसान पहले एक्सपीरियंसेस करता है तो फिर ही वो एक्सपर्ट बनता है, यूँ ही बैठे बैठे एक्सपर्ट नहीं बन जाता। तो अभी जो है ये अपना जो ऑनलाइन शॉपिंग का हाउल है इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो सीज़र जो है वो कैमरे में नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरा पूरा व्लॉग जो है वो गाइडलाइन कम्युनिटी में चला जाएगा। उन्होंने कहना है आपने सीज़र दिखा दी, तो मैं ये पहले इसको, क्योंकि इसकी जो है ना वो कटिंग इस तरह से इसके ऊपर वो लगी हुई है कि वो खुलेगी नहीं, इसको काटना पड़ेगा। तो इसको काट लेते हैं, इसको काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने ऑर्डर किया क्या है। तो पहले मैं इसको काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या ऑर्डर किया। स्किन एसेंशियल्स तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने ऑर्डर की हैं,
तो कार्ड लिया है मैंने और आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह से यहाँ से मुझे काटना पड़ा। क्या है इसमें, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर से निकलने वाला है ये सीधा कहाँ है, ये ऑर्डर किया है मैंने। स्किन एसेंशियल्स हैं ये, आपने कॉमन होगा ये हर जगह पर, सब जानते होंगे। से सेरावे की मैंने जो है वो स्किन एसेंशियल्स, सेरावे की स्किन प्रोडक्ट्स मैंने जो है वो ऑर्डर की हैं। तो मैंने ये सेरावे की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर तो कर ली हैं, तो ट्राई जो है टेस्ट जो है वो देखेंगे और सब कुछ आपके सामने करेंगे। दिख सो वैसे ही रहा, वैसे बॉक्स भी ऐसा ही था। तो इसको ओपन करते हैं, इसके यहाँ पर भी सील है, इसको भी ओपन करते हैं सीजर के साथ और फिर आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज दिस। सो आई हैव ओपन दिस सील। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये वाली सील भी लगी हुई थी, उसको भी कट कर लिया मैंने, सीजर नहीं दिखाई क्योंकि वॉयलेशन हो जानी। तो बिफोर वी ओपन इट मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। बेसिकली ये 4-in-1 किट है सेरावे की। इसमें है नाइट क्रीम, रेटिनल सीरम और एक्ने फॉर्मिंग क्रीम क्लींजर और हाइड्रेटिंग मिनरल सनस्क्रीन। ये 4-in-1 सेरावे की किट है। तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर तो कर लिया, आप देखते हैं कि ये वही है जो मैंने देखा था या नहीं। तो इसको ओपन करते हैं, वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैंने ऑनलाइन देखा था। दिस इज ट्रूली सेम, एग्जैक्टली वाओ, वैसा ही है। मुझे लगा था स्कैम हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, लग रहा है। ओके, वन बाय वन मैं दिखाती हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। कज़न से मैंने फर्स्ट टाइम कुछ पर्सनली ऑर्डर किया है, तो वो सक्सेसफुली पहुँच भी गया और अच्छे वाला, सही वाला पहुँच गया मुझे लग रहा है। तो मैं आपको पहले ये फिर से देख लीजिए, मैं पता नहीं एक्साइटमेंट में क्या कर रही हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम बंदा कुछ खुद से करता है ना, तो उसको एक्साइटमेंट ऐसे पागलों वाली होती है, तो मैं पागल हो रही। चलें वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें से ये निकालते हैं, ये क्या है। वन बाय वन, दिस इज एक्ने फॉर्मिंग क्रीम क्लींजर। यू कैन सी दिस इज एक्ने फॉर्मिंग क्रीम क्लींजर। तो इसको भी ओपन करके अंदर से भी देख लेते, ये ना हो बाहर से डिबियाँ प्यारी प्यारी हों और अंदर से सही। अंदर से भी वैसा ही है भाई, कामयाब हो गई हूँ मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस में। यानी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऑनलाइन ऑर्डर जो कर लिया है, उसने मुझे इत्मीनान और पुरउम्मीद कर दिया है कि ज़िंदगी में आगे भी ऐसे के ब्लफ्स जो हैं वो आपने मारते रहना। यानी कि आपने जो है ना वो पैसे ज़ाया करते रहे, पैसे ज़ाया नहीं हुए। आप सेरावे का नाम ही सुन के जो है आपको पता लग जाएगा कि ये कुछ वर्थी है। तो बेसिकली ये जो है, जो मैंने इतना ऑर्डर किया है, ये मेडिकेटेड स्किन केयर्स हैं, यानी कि मेडिकेटेड स्किन केयर की चीज़ें हैं। तो ये है एक्ने फॉर्मिंग क्रीम क्लींजर। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगी है और उसके साथ साथ एक्ने स्कार्स भी जो है वो सस्टेन कर रहे हैं मेरी स्किन पे। तो उसके लिए दिस इज़ परफेक्ट, आई थिंक सो, मैंने सुना हुआ है और डॉक्टर भी यही कहते हैं। तो ये तो अब ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, इसको बाद में ट्राई करते हैं, पहले इसको साइड पर रखते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है इसमें ये इस तरह की कुछ अपीयरेंस है इसकी। ये है हाइड्रेटिंग मिनरल सनस्क्रीन। तो इसको भी ओपन करके देखते हैं कि ये वैसी है कि नहीं है। वैसी ही है भैया, ये भी ठीक निकल आई है। तो आई थिंक सो, ये मेरा जो ऑनलाइन शॉपिंग का हाउल है वो कामयाब रहा। ये सनस्क्रीन को भी अप्लाई करके टेस्ट करेंगे, तो अभी तो लोग हैं मेरे ख्याल से, तो टेस्ट करेंगे और फिर आपसे इसके वो भी रिव्यूज शेयर करेंगे। अगली चीज़ इसमें है, दिस इज सेरावे नाइट क्रीम। तो ये वैसी क्रीम नहीं है जो फॉर्मूला क्रीम्स जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये जो है वो आपकी स्किन के बैरियर को जो है वो प्रोटेक्ट करती है और आपके फॉर्मूला क्रीम्स की तरह ये काम नहीं करती। इसमें नाइसिनामाइड है, या इसमें नाइसिनामाइड कहाँ है लिखा, हाँ जी इसमें नाइसिनामाइड भी है। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है और आपकी स्किन को जो है वो अच्छा करती है। आपकी स्किन के लिए जो है वो इसमें कोई नुकसान कम ही होंगे अगर हुए भी तो। बाकी इस्तेमाल से पहले मैं क्यों तारीफ़ें कर रही हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर रिसर्च और जो है ज़्यादातर डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के बाद ये ऑर्डर किया है, यानी कि पूरा पैक। अब जो है वो लास्ट इसमें, ये खाली हो गया, लास्ट इसमें बचता है सेरावे का रेटिनल सीरम। इट्स स्किन रिन्यूइंग रेटिनल सीरम।
तो ये जो है ये भी हमारी स्किन के बैरियर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, मॉइस्चराइजेज एंड हेल्प रिस्टोर द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर्स। तो इसमें रेटिनल ऑयल भी है और उसके साथ साथ क्या है, हाइलुरोनिक एसिड भी है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा भैया। तो अभी जो है वो सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं, लेकिन सबसे पहले जो है एज यू नो का सबसे पहले हम यही यूज़ करेंगे, विच इज़ दिस वन, व्हाट इज दिस, एक्ने फोमिंग क्रीम क्लींजर। सबसे पहले हम ये यूज़ करके देख लेते हैं आपके सामने। तो इसकी एक पहले डायरेक्शन ही पढ़ लेनी चाहिए थी मुझे या इसकी डायरेक्शन पहले पढ़ लें, हाउ टू यूज़। अच्छा, यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, वार्निंग फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। हाउ टू यूज़, इसका कहाँ पर है भैया, डायरेक्शन टू यूज़ किधर लिखा हुआ है? थोड़ा निकाल कर मुझे याद आया कि इसकी डायरेक्शन भी पढ़ लेनी चाहिए, डिब्बे के पीछे भी लिखा हो। हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कुछ खास कुछ भी नहीं लिखा। अपने हिसाब से इसको ना थोड़ा थोड़ा सा यूं यूं लगाते हैं, और पहली पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसको थोड़ा ही यूज़ करते हैं, ये ना हो काम कोई मैं ख़राब ही कर लूँ। तो इसको जो है वो थोड़ी देर मसाज 1-2 मिनट करके तो फिर मैं देखती हूँ कि ये क्या करता है। अभी जो है इसको थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं और फिर मैं वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कोई फ़र्क पड़ा है। मतलब पहले यूज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं हमेशा कहती हूँ कोई मैजिक तो नहीं हो रहा ना, तो फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। एज यू कैन सी क्लिंजर जो है वो मैंने यूज़ करके, यानी कि एक्ने फॉर्मिंग क्लिंजर यूज़ करके उसको थोड़ा सा रब करने के बाद वॉश कर लिया है। तो काफ़ी फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग आ रही है मुझे, और मुझे लग रहा है ये मैंने मिरर में ऑलरेडी देख लिया, मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कुछ वर्क कर जाएंगी। मुझे लगा है फर्स्ट यूज़ से ही थोड़ा सा ना मुझे इफेक्टिव लगा है, तो ये वाकई में अच्छा लगा मुझे। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका एक्ने फॉर्मिंग क्रीम क्लिंजर था और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी। जो बात करने वाली है, जो ट्रेडिशनल जो हमारे क्लिंजर्स होते हैं वैसी इसकी फ्रेग्रेंस नहीं थी, इसकी फ्रेग्रेंस कुछ लाइम की जैसी थी, यानी कि जैसे खट्टा लीमू नहीं होता, लाइम सी फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस थी। तो अब जो है वो हम इसकी सनस्क्रीन अप्लाई करके देखते हैं। या और एक बात मैं आपको बता दूँ, सनस्क्रीन जो है वो सिर्फ धूप में जाते वक्त आपने नहीं अप्लाई करनी, आपने घर में अंदर बाहर किचन में वेयर एवर यू आर, आपने दिन में आपने रात में हर टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करके रखनी है। ये आपकी स्किन के बैरियर्स को भी प्रोटेक्ट करती है, और उसके साथ साथ ये सिर्फ धूप की यूवी जो वेज हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं करती, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेजेस से जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और आपकी स्किन के ब्लेमिशेस को भी कम करती है। तो आपने जो है वो सनस्क्रीन घर में 24 आवर लगाए रखनी है। तो अभी जो है सनस्क्रीन थोड़ी सी हम अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद देखते हैं। ये मैंने लगता ज़्यादा ही निकाल लिया, बट क्या करूँ मैं, फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया कुछ तो मुझे एक्साइटमेंट ही इतनी हो रही है। तो इसको इसकी फ्रेग्रेंस भी बड़ी अच्छी है भैया, सनस्क्रीन जो है वो हमने अप्लाई कर ली है और ये काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई है स्किन में। आपने इसकी थोड़ी सी लिटिल अमाउंट जो है वो लगानी है, मुझे लगता था कि मैंने थोड़ी ज़्यादा लगा ली, एक्साइटमेंट में इतनी पागल हो गई, मैंने ज़्यादा लगा ली थी, इतना ज़्यादा थोप ली थी, फिर मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है तो एब्जॉर्ब हो गई है वो। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 10/10 है। अब जो है इनकी नाइट क्रीम को देखते हैं, लगाने नहीं लगी मैं क्योंकि नाइट क्रीम में तो नाइट क्रीम लगाते होते, बाकी देखते हैं
इस तरह की कुछ इसकी अपीयरेंस है, ये इस तरह की डिब्बी निकली है, इसमें से ये क्रीम देखने में तो ये जो है वो ना तिब्बत क्रीम जैसी लग रही है, तो यही इसकी खासियत है। ये बहुत ज़्यादा नॉन ग्रीसी और लाइट वेट सी है, तो इसीलिए जो है वो फॉर्मूला क्रीम से खुद को डिफ्रेंशिएट करती है। तो अभी जो है ये मैं अप्लाई नहीं करने वाली। आप अब कहें कि मैं सब कुछ आपको अप्लाई करके एक ही बार में दिखा दूँ, तो ऐसा नहीं होता। अगली चीज़ जो है मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ, इनका रेटिनल सीरम ऑयल कहने लगी थी मैं, रेटिनल सीरम है इसका नाम। तो ये इस तरह का कुछ होता है, इट्स गुड बाय द वे, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, ओह माय गॉड, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और मेरा ओवर एक्साइटमेंट। तो बाकी इसको मुंह पर मैं, हाथ पर पहले एक इसका ना कैसे आएगा भाई, आ क्यों नहीं रहा, अंदर से खाली तो नहीं है, अंदर तो आ क्यों नहीं रहा भैया, खोल कर देखती, वही अंदर तो है, अंदर से तो ये देख के निकला है भाई, ये तो जेल सी है कुछ, मैं तो ऑयल समझी थी, बट दिस इज समथिंग लाइक जेल, लुक एट दिस, दिस इज समथिंग लाइक जेल। तो इसको जो है ये भी आपने अप्लाई कर लेना है, आपने बस सब कुछ, आई थिंक सो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये लिटरली सारी की सारी आई थिंक 10/10 होने वाली हैं, क्योंकि जो चीज़ें दो मैंने यूज़ की हैं उनके, उनसे ही मुझे लगा है कि ये जो है मेरी स्किन को कुछ ना कुछ अच्छे वे में चेंज लाजमी करेंगी। आई नो कि पहले ही दिन में नहीं करेंगी, कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्टिव होने वाली हैं। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो गो अहेड ट्राई करके, फिर पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप देखिए। अगर वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेरावे की सारी प्रोडक्ट्स हैं, अब इसको मैं सारे मैनेज करके दोबारा से, ये भी बड़ा काम होता है, मतलब इंसान खुद से नहीं, इंसान कोई भी चीज़ नहीं लेता ना, उसको वापस प्रिपेयर करके वैसे रख देता है जैसे यूज़ ही नहीं करनी, जैसे कि मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं अपने कोई ना, आपको मैं क्या बताऊँ, एक्सपेंसिव कोई चीज़ ले लूँ तो वो भी संभाल कर रख देती, यूज़ ही नहीं करती। तो अभी मैं इसको वापस से ना पैक करके सारा पैक करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि सेरावे की जो प्रोडक्ट्स हैं आप जो है वो किड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर की है कि मेरी स्किन पे कोई मसला ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी एनर्जी और मेरी पागलपन, सुपर एक्साइटमेंट वो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी अब कर दीजिए, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा ही मत, और कमेंट आपने बहुत अच्छा सा करना है लाजमी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, अल्लाह हाफिज़।